तीन साल पहले एक बच्चे की हत्या कर जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज हत्या का सफल अनावरण थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा करते हुए प्रकाश में आए दो अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, 5 सितंबर 2018 को रोहित कुमार पुत्र घनश्याम दास निवासी कपूर कंपनी काली का थाना सिविल लाइन को अपनी 3 वर्षीय पुत्री के घर के सामने से गायब होने के संबंध में थाना सिविल लाइन को तहरीर दी थी। दिनांक 6 सितंबर 2018 को कपूर कंपनी रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बच्ची का शव जली अवस्था में मिलने के संबंध में रोहित कुमार को सूचना दी गई और बच्ची के शव की शिनाख्त हेतु भरकस प्रयास किए गए, परंतु शव अधिक जला होने के कारण शव की पहचान नहीं हो सकी। तब अज्ञात शव की पहचान कराने के उद्देश्य से मिले शव का डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसकी डीएनए परीक्षण रिपोर्ट विभिन्न विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से प्राप्त हुई, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि जो अज्ञात शव मिला था वह अपहर्ता से ही संबंधित है। इस घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों से घटना कार्य में मिंटू पुत्र राजू निवासी ग्राम बसेड़ा थाना धामपुर बिजनौर और रविंद्र पुत्र सूरजपाल निवासी मोहल्ला फकीरपुरा थाना सिविल लाइन मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्त गण मिंटू व रविंद्र को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को मोहल्ला फकीरपुरा से गिरफ्तार किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 376B IPC व 5/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। पूछताछ करने पर अभियुक्त गण ने बताया कि उन्होंने शराब का सेवन करने के बाद जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान बच्ची को दुकान से टॉफी दिलाकर अपहरण कर कपूर कंपनी रेलवे लाइन पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए सबको जलाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वहीं इस सनसनीखेज घटना के खुलासे में पुलिस के काम की सराहना की जा रही है। घटना का खुलासा SP सिटी अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन में किया गया। ये थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 3 साल पहले एक अनसुलझे हत्या के केस का अनावरण किया है। 6 सितंबर 2018 को एक अज्ञात बच्ची का जले हुए शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी। उसके बहुत प्रयास किया गया। उसी दिन एक गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी, उसमें उनके परिवार वालों ने बताया था कि 5 सितंबर को वहाँ पे एक जुलूस, जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा था, उसी में ही उनकी 3 साल की बच्ची गायब हो गई है, जिसमें 363 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो ये शव बरामद हुआ था, इस शव को इनके माता पिता को भी दिखाया गया था, जिसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस समय वो इस शव को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि शव की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। फिर उस समय तत्काल इन समय में DNA टेस्ट के लिए इस मुकदमे में जो वादी थे 363 वाले, उनके माता पिता का सैंपल और इस शव के सैंपल को DNA टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। अब जब इसकी लैब रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें कंफर्म हुआ कि वही इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जो शव बरामद हुआ था। इसमें फिर पुलिस ने नए सिरे से वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका एक का नाम रविंदर है और मिंटू है, दूसरा मिंटू। दोनों से जो पूछताछ की गई, इसमें इन्होंने इस घटना को करने का स्वीकार किया। इन्होंने ये बताया कि उस जन्माष्टमी के जुलूस में पहले तो ये जो रविंदर था, इसने टॉफी का दिखावा देके इस लड़की को, अपनी बच्ची को अपने साथ ले गया। यहाँ आगे रविंदर और मिंटू जो पास में रेलवे लाइन है वहाँ ले गए, वहाँ इस बच्ची के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, फिर इसकी हत्या करी और इसके शव को वहाँ पर जल रहे कूड़े में फेंक दिया। इसमें इनके द्वारा ये बात स्वीकारी गई है। इसमें जो अन्य तथ्य भी है आधार पर, इनको आज
हिरासत में ले गया और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें थाना सिविल लाइन द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। DIG मुरादाबाद द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए इनको 25,000 का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। जनपद मुरादाबाद में 3 साल पहले एक बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। तो वहीं आज पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का खुलासा पुलिस लाइन में SP CT अमित कुमार आनंद द्वारा किया गया। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप मुरादाबाद से।